हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको प्रियंका चोपड़ा के सरोगेसी के पीछे रीजन के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रियंका चोपड़ा सरोगेसी के थ्रू एक प्यारी सी बेबी गर्ल की मदर बनी है एंड प्रियंका ने अपने इंस्टा के थ्रू ये गुड न्यूज अपने फैंस के साथ शेयर की थी, जहाँ प्रियंका के फैंस ये गुड न्यूज सुन के बहुत ही खुश हुए। वही फैंस ये भी जानना चाहते हैं कि प्रियंका ने बेबी के लिए सरोगेसी को ही क्यों चूज किया एंड सरोगेसी के पीछे कहीं उनकी इनफर्टिलिटी तो नहीं, बट इस सब के बारे में बहुत सी न्यूज आ रही है एंड इस सब पे क्लियरली बताया गया है कि इस सब पे प्रियंका की इनफर्टिलिटी की वजह नहीं थी एंड प्रियंका पूरी ही तरीके से फर्टिलाइज थी, बट जो इशू था वो था प्रियंका के अपनी एज को देख के, क्योंकि प्रियंका इस समय 39 इयर्स ओल्ड है एंड इस समय प्रेगनेंसी में काफी सारी कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। प्रियंका चोपड़ा ने काफी सारे डॉक्टर से डिस्कस किया एंड सारे डॉक्टर से डिस्कस करने के बाद ही प्रियंका ने ये डिसीजन लिया था। इन केस वो प्रेगनेंसी कंसीव भी करती इस समय तो 9 मंथ्स के लिए बेबी कैरी करना बहुत ही डिफिकल्ट होता, बस इस एज में कॉम्प्लिकेशन के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। एंड सेकेंड रीजन ये भी सामने आ रहा है कि प्रियंका ने काफी बिजी स्केड्यूल में अपना काम करते हैं तो इसमें उनको एक साल का टाइम चाहिए होता एंड ऐसे में एक साल का गैप लेना उनके बिजी स्केड्यूल से नहीं निकल पाता एंड इस सारे रीजन की वजह से प्रियंका चोपड़ा ने सरोगेसी को चूज किया एंड अपने बेबी गर्ल का वेलकम किया। प्रियंका ने अपने डिसीजन से काफी खुश है एंड इस वक्त वो अपनी बेबी के साथ में है। जैसा कि हम सब जानते हैं, बेबी गर्ल अभी अंडर ऑब्जर्वेशन हॉस्पिटल में ही है। आपको प्रियंका की सरोगेसी का रीजन जान के कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए एंड बॉली टॉली चैनल को दिल से लाइक कीजिए एंड अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में हमारा चैनल शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।